तो भाई लोग कैसे हो। तो भाई लोग आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रियलमी X7 5G। तो कुछ गैर की बात है और आपको एक वाइट कलर का केस मिलेगा जो आपका फ़ोन को अच्छे से कवर कर सके। तो यह है भाई हमारा प्यारा सा रियलमी X7। तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। और हाँ भाई, आपको यहाँ 3.5 mm वाला जैक नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे डोंगल मिलेगा, वही लगा के आप पबजी या गाना वाना सुन सकते हो। और आपको यहाँ चार्जर मिलेगा 65 वाट सुपर डार्क चार्जर, जो आपको फ़ोन में 40 से 35 का मिनट के अंदर आपको फ़ोन फुल चार्ज कर देगा। और टाइप सी वाला आपको केबल मिलेगा फ़ोन चार्ज करने के लिए। तो फिलहाल रैपर को हटाने के बाद देखते हैं ओवरऑल आपको इसमें क्या मिलता है। तो इसमें आपको बैक साइड मिलता है प्लास्टिक का। तो इसमें आपको मिलता है राइट साइड में पावर अनलॉक बटन, नीचे की तरफ आपको मिलता है टाइप सी चार्जर पोर्ट, और आपको लेफ्ट में मिलता है वॉल्यूम अप डाउन। आपको ऊपर की साइड मिलता है माइक्रोफोन, और मैं जैसे पहले ही बोला था इसमें आपको कोई ऑडियो जैक 3.5 mm का जैक नहीं मिलेगा। तो फिलहाल फ़ोन को बूट करते हैं और सेटअप करते हैं। आपको इसमें डुअल नैनो सिम मिलेगा और आप इसमें कोई एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड आप नहीं लगा सकते हो। तो आपको इसमें कोई चाइनीज ऐप्स नहीं मिलेगा। वन ट्वेंटी हर्ट्स आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलेगा और आपको 180 टच सैम्पलिंग देखने मिलेगा। इसमें आपको डायमेंसिटी 800U 5G देखने मिलेगा जो बेस्ट है 7 mm पे, और आपको यहाँ एंड्रॉयड 10 मिलेगा और यह बेस्ट है Realme U1 पे। आपको इसमें कैमरा मिलेगा बैक में 64 MP, 8 MP अल्ट्रा वाइड और 2 MP माइक्रो और 2 MP है डेप्थ, और आपको सेल्फी में मिलेगा 32 MP कैमरा। तो फिलहाल टेस्ट करते हैं थोड़ा कैमरा के, इसमें आपको कैमरा कैसा मिलेगा। तो भाई आपको यहाँ बहुत सारा मूड मिल जाएगा, आपको नाइट मूड मिल जाएगा, आप अच्छे से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। वीडियो आपको रिकॉर्डिंग करना है तो आपको 60 FPS में आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा। तो कैमरा भाई इसका ओवरऑल बोले तो मस्त है। तो फिलहाल सेट कर लेते हैं फिंगरप्रिंट और देखते हैं कितना जल्दी फिंगरप्रिंट से ये फ़ोन अनलॉक हो जाता है। तो जैसे ही फ़ोन को लॉक किया, टच करा ओपन, टच करते ही ओपन, आप देख ही सकते कितना फास्ट हो रहा है। तो भाई फिलहाल फेस अनलॉक भी देख लेते हैं इसमें कैसा है। जैसे ही देखा आप देख ही सकते हो ओपन हो जा रहा है, लॉक किया स्क्रीन में देखे जस्ट ओपन। तो भाई आपको ये मोबाइल में अंततः स्कोर मिलेगा 3,29,000। ये बहुत है भाई, बहुत। अगर आप कोई नॉर्मल भी काम करोगे तो इतना नहीं लगेगा, अगर आप पबजी भी खेलोगे तो भाई इतना नहीं लगेगा। तो अगर आप गेमिंग के लिए भी ये फ़ोन लेना चाहते हो भाई ले सकते हो। तो भाई ये तो फिलहाल चाइनीज़ वेरिएंट है, तो आपको इंडिया में यही वेरिएंट में आएगा, थोड़ा बैक में आपको दूसरा कलर मिलेगा। तो भाई फिलहाल गेमिंग टेस्ट करते देखते हैं इसमें कैसा परफॉर्मेंस देता है।
तो 120 हर्ट्स का आपको डिस्प्ले मिल रहा है एमुलेट, और 180 का आपको टच सैम्पल मिल रहा है। तो भाई इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, आपको हर कलर अच्छे से दिखेगा और आप पूरा गेम का मजे ले सकते हो, जिसमें जो डिस्प्ले दे रहा है पूरा मक्खन डिस्प्ले है।